ये वाली वीडियो देखने के बाद दोस्तों मेरे से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा कि चिंगम्स को मुंह से कैसे फुलाते हैं, यानी कि मुंह से कैसे उसका बबल बनाते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए सेंटर फ्रूट ले लिया मैंने, इस सेंटर फ्रूट का यूज करूंगा और इसके थ्रू मैं आपको मुंह से फुला के दिखाऊंगा, बबल बना के दिखाऊंगा कि आप बबल किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो भी बताऊंगा, साथ में ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि बचपन से तो हम करते आ रहे हैं, आपको भी बचपन की याद आ जाएगी आज, और आप बचपन अगर अभी छोटे हैं तो आप ये ट्रिक सीख जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सेंटर फ्रूट को मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है, और देखिएगा सेंटर फ्रूट या कोई भी बबल गम आप लाते हैं तो उसमें होती है शुगर, ये देखिएगा। तो आपको च्युइंगम को चबाना है और च्युइंगम को चबाकर मैक्सिमम शुगर उसकी खा लेनी है, यानी कि च्युइंगम को इतना चबा लीजिए कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई शुगर ना हो, वो बिल्कुल भी मीठी ना लगे। चारों के चारों सेंटर फ्रूट मेरे मुंह के अंदर आ गई हैं, अब इनको मैं चबाऊंगा, इनकी सारी शुगर मैं खा जाऊंगा दोस्तों। दोस्तों 15-20 मिनट चबाने के बाद, सारी शुगर खा लेने के बाद च्युइंगम रेडी हो गई है मुंह से फुलाने के लिए, बबल बनाने के लिए। मुंह में दर्द भी हो गया काफी दोस्तों, बहुत दिनों बाद च्युइंगम खाई है। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो च्युइंगम आपने चबाई है उसको इस तरीके से जीभ में के अंदर, जैसे रोटी होती है ना, इस तरीके से थोड़ा पतला कर लीजिए। पतला करने के बाद जीभ के ऊपर इस तरीके से कवर कर लीजिएगा, और कवर करने के बाद होठों से थोड़ा सा जीभ को बाहर निकाल के होठों से जो च्युइंगम है उसको अच्छे से दबा लीजिएगा और फूंक मारिएगा, ताकि थोड़ा सा जो हवा है वो जीभ के रास्ते से उस च्युइंगम के अंदर जाए और बबल बन जाए। देखिए छोटा बना था, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। प्रैक्टिस करते करते वो बड़ा भी बनना शुरू हो जाएगा, और एक सिंगल च्युइंगम से भी काफी बड़ा, इतने बड़े के आसपास आप बबल बना सकते हैं।